Now question number 8. X minus 1 square, x plus 1 cube, x minus 4 is less than 0. तो क्रिटिकल पॉइंट इसका हो जाएगा सबसे लेस माइनस वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फोर, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट है। फोर के राइट साइड में चेक करेंगे, फोर के राइट साइड में कोई नंबर फाइव, फाइव पर फाइव माइनस वन, फोर का स्क्वायर पॉजिटिव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स का क्यूब पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर वन पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव नंबर है तो फोर के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा और कर्व ऊपर ऐसा। फोर से पहले क्योंकि फोर इस फैक्टर से आया था, इसका पावर वन है मीन्स ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ जाएगा। वन वन इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस वन है तो माइनस वन ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस वन इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज करेगा, इसके राइट साइड में माइनस है, इसके लेफ्ट साइड में प्लस होगा। ये अब यहाँ बनाना क्या है, नेगेटिव लाना है, नेगेटिव लाना है, नेगेटिव कहाँ कहाँ, माइनस वन टू वन, वन टू फोर। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करेंगे तो माइनस वन है, तो माइनस वन यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए तो माइनस वन पर होल ये होगा, वन पर भी जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए तो वन पर भी होल, फोर फोर जीरो हो जाएगा, सॉरी फोर फोर रखें तो जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए तो फोर पर भी होल, ये आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन यूनियन वन टू फोर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। ये है, ये सारा फैक्टर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। सबसे राइट साइड में पॉइंट है फाइव, फाइव के राइट में, फाइव के राइट में उस रीजन में चेक किया जाता है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो सिक्स नंबर चेक करते हैं, सिक्स पर ये पॉजिटिव, सिक्स पर ये पॉजिटिव, सिक्स पर यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है, इसको प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो फाइव के राइट साइड में, फाइव के राइट साइड में पॉजिटिव साइन बन रहा है, तो ये कर्व ऊपर ऐसा फाइव से क्रॉस किया जा रहा है, फाइव इस फैक्टर से आया था, इसका पावर, इसका पावर वन है, ऑड है, पावर ऑड है, साइन चेंज करेगा, इसका राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, पावर इवन होता है, साइन चेंज नहीं होता। फोर से क्रॉस किया जा रहा है, फोर इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, वन है ना, ऑड है, साइन चेंज करेगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव। थ्री से क्रॉस किया जा रहा है, थ्री के पावर भी ऑड है, साइन चेंज करेगा, अब ये हो जाएगा नेगेटिव। टू से क्रॉस किया, टू के पावर भी ऑड है तो पॉजिटिव, वन का पावर ऑड है तो नेगेटिव, इस टाइप से बन गया। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर वन वन, यहाँ जीरो नहीं है तो वन नहीं हो सकता है, टू भी नहीं हो सकता है, थ्री भी नहीं हो सकता है, और डिवाइड डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होते हैं वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर जीरो होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर इक्वलिटी होता भी, इक्वलिटी साइन होता भी, तो एक्स का वैल्यू फोर नहीं रख सकते थे, क्योंकि फोर रखने से डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो फोर भी नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पर होल।
आंसर होगा चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ है, वन से लेस के लिए, फिर टू से थ्री, नेक्स्ट फोर टू फाइव। तो आंसर होगा एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन से लेस के लिए है तो माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन। नेक्स्ट इंटरवल है नेगेटिव वाला टू टू थ्री, टू टू थ्री। नेक्स्ट इंटरवल है नेगेटिव फोर टू फाइव, यूनियन फोर टू फाइव। ये आंसर। एग्जाम्पल नंबर टेन, टू एक्स माइनस थ्री बाई थ्री एक्स माइनस सेवन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये इनइक्वालिटी है इसका बनाने के लिए। यहाँ दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है। तो ये फैक्टर जीरो कहाँ पे हो रहा है, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। दूसरा पॉइंट, x इक्वल टू सेवन बाई थ्री, तो सेवन बाई थ्री टू से ग्रेटर, थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव, तो सेवन बाई थ्री ग्रेटर नंबर है, तो सेवन बाई थ्री टू थ्री बाई टू के राइट साइड में। ये दो पॉइंट मिला। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से तीन रीजन बन रहा है। तो 7 बाई थ्री का राइट साइड में जो रीजन है उसमें कोई नंबर रख के चेक कर लेते हैं। तो 7 बाई थ्री से बड़ा कोई नंबर, 4, तो 4 पर ये आ जाएगा 4 इंटू टू 8 माइनस थ्री, 5 पॉजिटिव नंबर, और 4 पर ये 12 माइनस 7, 5 पॉजिटिव नंबर, 4 पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा राइट साइड में, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन होगा। अब 7 बाई थ्री से क्रॉस किया जा रहा है, 7 बाई थ्री फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि ऑड पर साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब 3 बाई टू से क्रॉस किया जा रहा है, 3 बाई टू इस फैक्टर से आया था, ऊपर वाला फैक्टर से, इसका पावर ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, तो आंसर चेक क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन कहाँ कहाँ, यही नेगेटिव वाला साइन चाहिए, नेगेटिव कहाँ से कहाँ था, 3 बाई टू से लेकर 7 बाई थ्री तक। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं कि कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। 3 बाई टू रख सकते हैं क्या, 3 बाई टू रखेंगे यहाँ पे, इस फैक्टर के कारण जीरो होगा, 3 बाई टू पर चेक करेंगे तो ये फैक्टर जीरो नहीं होगा, ये फैक्टर जीरो होगा, और जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, मतलब 3 बाई टू पॉइंट पॉसिबल है, 3 बाई टू रख सकते हैं। अच्छा, 3 बाई टू रख सकते हैं तो यहाँ पे पॉइंट होगा, होल नहीं होगा। 7 बाई थ्री रख सकते हैं क्या, 7 बाई थ्री रखेंगे तो ये फैक्टर जीरो होगा, 7 बाई थ्री पर ये जीरो नहीं होगा, ये फैक्टर जीरो होगा, और ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जीरो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 7 बाई थ्री के लिए ये अनडिफाइन बन रहा है, अनडिफाइन कोई भी एक्सप्रेशन को अनडिफाइन होने से बचाना है, उसको अनडिफाइन नहीं होने देना है, तो इसीलिए 7 बाई थ्री नहीं हो सकता यहाँ पे होल। तो नेगेटिव में यही था, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग टू 3 बाई टू टू 7 बाई थ्री, एंड 3 बाई टू पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3 बाई टू है, एंड 7 बाई थ्री पर होल है, 7 बाई थ्री ओपन ब्रैकेट, ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक्स क्यूब 2x माइनस थ्री का स्क्वायर, x माइनस फोर का पावर 6 डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री का क्यूब, 3x माइनस एट का पावर 4, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से ये x है ना, तो यहाँ से जीरो, यहाँ से 3 बाई टू, इस पॉइंट से 4,
इस पॉइंट से 3 और इस पॉइंट से 8/3। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले इसमें 0 एंड नेक्स्ट 3/2 एंड 8/3, 8/3 3 से लेस है तो 8/3, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 4। डीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब 4 के राइट साइड में चेक करना है कोई पॉइंट पर, 5 पर। 4 के राइट साइड पर कोई सबसे आसान सा नंबर 5, 5 पर ये पॉजिटिव, 5 पर 10-3 7 का स्क्वायर पॉजिटिव, 5-4 का 6 पॉजिटिव, 5-3 का क्यूब पॉजिटिव एंड 5×3 15-8 7 पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव है तो 4 के राइट साइड में पॉजिटिव ही बनेगा, 4 के राइट साइड में पॉजिटिव बनेगा। 4 से क्रॉस किया जा रहा है, 4 से क्रॉस किया जा रहा है, 4 किस फैक्टर से आया था, x-4 का पावर 6, पावर 6 इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा तो फिर से पॉजिटिव, इस रेंज में भी ये पॉजिटिव बनेगा। अब 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 किस फैक्टर से आया था, 3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर कितना है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज करेगा, ऑड है तो साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव होगा, 3 का राइट साइड पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब पहुँच गए हैं 8/3 पर, 8/3 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब 3/2 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, 3/2 के राइट साइड में नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। अब 0 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव बन रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव है। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, 0 पॉसिबल हो सकता है, 0 ऊपर है तो 0 पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ पे पॉइंट। 3/2 ऊपर है, 3/2 पर 0 होगा, 0 पॉसिबल हो सकता है, इक्वालिटी है, 3/2 पर भी पॉइंट। 8/3 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे होल। 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी होल। 4 ऊपर में है तो यहाँ पे पॉइंट, 4 पर पॉइंट। तो इसका आंसर होगा x belong to 0 टू 3/2, और 3/2 में पॉइंट है तो 3/2 में इंटरवल ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, तो x belong to हो जाएगा 0 पे क्लोज और 3/2 तो आ ही रहा है तो यहाँ पे इंटरवल ब्रेक नहीं करेंगे, 3/2 से डायरेक्ट कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 8/3 तक, 0 to 8/3 सारा पॉइंट लिख देंगे, 0 to 8/3 लिखेंगे तो इसमें 3/2 तो आ ही गया और 8/3 पर ओपन है एंड यहाँ पे इंटरवल ब्रेक कर सकते हैं कि फिर से 8/3 पर ओपन 8/3 to 3 और 3 पर ओपन रखना है तो ये यहाँ से यहाँ तो सारा देख लिए, लेकिन एक पॉइंट ये भी एक्स्ट्रा है, 4 भी आना चाहिए। 4 आना है तो 4 को, 4 में तो एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट है 4, इसको ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बना के, बस एक ही एलिमेंट है, जब एलिमेंट दिखाना होता है तो इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और जब रेंज दिखाना होता है तो ये इंटरवल का रेंज है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट 0 to 8/3 ओपन ब्रैकेट, फिर 8/3 to 3 ओपन ब्रैकेट एंड ए 1 पॉइंट ऑल्सो 4, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सारा इंटरवल होगा और इस इंटरवल के बाद अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट भी आता है जो इसको सेटिस्फाई करता है और वो क्रिटिकल पॉइंट इस रेंज में नहीं आ पा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा यूनियन लगा के उसको लिखा जाता है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो उसको यूनियन लगा के लिखा जाता है, उसको सेट बना के लिखना है 4 एज ए एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 4। नेक्स्ट, x-1 का स्क्वायर x+1 का क्यूब डिवाइडेड बाई x^4 x-2 लेस देन 0। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से -1,
0, 1, 2, minus 1, 0, 1, 2. 2 के राइट साइड में किसी पॉइंट पर चेक करते हैं, 2 के राइट साइड में किसी पॉइंट पर चेक करेंगे तो 3 पर चेक कर लेते हैं, एक साइन एक रीजन में तो साइन चेक करना है, 3 पर चेक करते हैं, 3 पर ये आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव, 3 पर ये पॉजिटिव, 3 पर ये पॉजिटिव, 3 पर ये भी पॉजिटिव, तो राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, राइट साइड में पॉजिटिव। अब 2 से क्रॉस किया जा रहा है, 2 इस फैक्टर से आता है, इसका पावर कितना ऑड है, ऑड है तो ऑड है तो साइन चेंज करेगा, और साइन चेंज करेगा, राइट साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब 1 से क्रॉस करना है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 इस फैक्टर से आया था, इसका पावर इवन है, पावर 2 है ना, पावर इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अब 0, 0 यहां से आया था, इसका पावर में 4 है, इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। माइनस वन, माइनस वन इस फैक्टर से आया था, इसका पावर कितना ऑड है, 3 है ना, ऑड है तो ऑड है तो साइन चेंज करेगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सारा क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, माइनस वन पर ये 0 होगा, ऐसे भी यहाँ 0 की इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है तो ऊपर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर में क्रिटिकल पॉइंट लेते ही नहीं है तो ऐसे भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 में तो नेगेटिव साइन वाला साइन, नेगेटिव साइन वाला रीजन, तो नेगेटिव साइन का रीजन है ये, इसका आंसर होगा x बिलोंग टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 0 टू 1 यूनियन 1 टू 2, ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए राइट साइड में अभी जब जो भी हम लोग वैवी कर मेथड पढ़ रहे हैं उसके राइट साइड में 0 होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ राइट साइड में 0 नहीं है, मीन्स इसको लेफ्ट साइड पहले लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस ऑफ x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1 एंड नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कोई भी अगर नंबर 0 है तो 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये भी एक प्रॉब्लम होगा कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड इक्वल कर दोनों साइड इंटू करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइड से इंटू करेंगे, नेगेटिव साइन से मीन्स माइनस टू नेगेटिव नंबर से इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो अभी ये नहीं पता है कि एक्स माइनस वन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्स प्लस वन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो भी राइट साइड में नंबर लिखा रहेगा उसको लेफ्ट साइड ले आना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ऐसा, एंड एक्स प्लस वन यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो के। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स माइनस फोर एक्स, टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, वन प्लस फाइव सिक्स, तो सिक्स माइनस टू एक्स एक फैक्टर बना ऊपर में, एंड हेयर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो इस क्वेश्चन का।
अब इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये वेवी कर मेथड से इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना कितना होगा, एक तो 1 होगा इस फैक्टर के लिए, यहाँ से -1 होगा, और यहाँ से 6 - 2x = 0, x = 3, 1 - 1 = 3, 1 - 1 = 3 है। तो क्रिटिकल पॉइंट अरेंज करेंगे तो -1, 1 एंड 3, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब इसका रीजन है, 4 रीजन है, तो 3 के बाद कोई पॉइंट रखेंगे उस पर चेक करेंगे। 3 के बाद कोई पॉइंट 4 रख लेते हैं, तो 4 पर ये कितना आएगा, 6 - 4 × 2 = 8, तो 6 - 8 नेगेटिव, ये एक नेगेटिव नंबर। एंड 4 पर ये 4 - 1 = 3 पॉजिटिव, 4 + 1 = 5, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। तो 3 के राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर मतलब कर्व डाउनवर्ड, नेगेटिव नंबर मीन्स कर्व डाउनवर्ड। अब 3 से क्रॉस किया जा रहा है, 3 किस फैक्टर से आया था, 3 किस फैक्टर से आया था, इसका पावर ऑड है, तो साइन, ऐसे भी सबका पावर ऑड है, सबका पावर ऑड है, तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा। 3 के बाद नेगेटिव है, 3 के पहले कितना होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ये क्लियर। सबका पावर ऑड है तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा, तो सबसे राइट साइड में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला कहाँ कहाँ है, -1 से लेस के लिए एंड 1 - 3 के लिए, ये 2 रीजन में पॉजिटिव है। अब ये चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट, सारा क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट -1 है, -1 पर -1 कहाँ से आया था, डिवाइड में, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो -1 पर होल। ओके, नेक्स्ट 1 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 पर भी होल। 3 ऊपर, 3 0 होगा, और 0 यहाँ पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, मतलब 3 होगा, तो 3 पर पॉइंट। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला है -∞ to -1 and 1 to 3, तो आंसर होगा -∞ to -1 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि होल है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव है 1 to 3, यूनियन 1 to 3, 1 में होल है तो 1 में ओपन ब्रैकेट, और 3 में पॉइंटेड है तो 3 में क्लोज ब्रैकेट, और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो और कहीं चेक नहीं करना है, ये होगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, (2x/2x²+5x+2)> > 1/(x+1), ये। अब इसको राइट साइड में जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में लिया जाता है, राइट साइड में जो भी नंबर है उसको लेफ्ट साइड में लाया जाता है, तो ये बन जाएगा 2x/2x²+5x+2 - 1/(x+1)) > 0। इसका एलसीएम हो जाएगा 2x²+5x+2 and x+1, x+1 × 2x माइनस, ये यहाँ पे आएगा 2x²+5x+2 > 0। तो ये बन जाएगा 2x² + 2x and here - 2x² - 5x - 2 एंड 2x²+5x+2 x+1 > 0। यहाँ से 2x² - 2x कैंसिल, 2x - 5x - 3x, तो -3x - 2, ये एक फैक्टर, डिवाइड में 2x² + 5x + 2, नेक्स्ट डिवाइड में 2x² + 5x + 2, इसको फैक्टराइज करना है,
2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का फैक्टराइज होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2. 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2, ये फैक्टर बनेगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1. x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, नेक्स्ट फैक्टर नीचे में है x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी. ओके, अब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ये होगा x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0. अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट ये होगा, अब ये सारा का सारा फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, राइट साइड में सिर्फ 0 है, तो अब यहां से सॉल्व करना है. यहां से क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट सबसे लेस क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट यहां से कितना आ जाएगा -2/3, क्रिटिकल पॉइंट यहां से -2/3, यहां से -2, यहां से -1/2 और ये -1, ये सारे में सबसे लेस, ये सारे में सबसे लेस -2 सबसे लेस है -2, उसके बाद -2 के बाद माइनस, अच्छा -2/3 -2/3 है -0.6 और ये -0.5 सबसे छोटा ये है, इससे छोटा तो ये है, तो -2/3 फिर ओके ये -1 -2/3 एंड -1/2 ये. अब सबसे राइट साइड में, सबसे राइट साइड में माइनस हाफ के बाद कोई नंबर रखते हैं, माइनस हाफ के बाद कोई नंबर, 0, 0 पर ये कितना 0 प्लस 2 2, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन है, इसको लेके चलना है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, 0 पर ये पॉजिटिव, 0 पर ये पॉजिटिव, 0 पर ये पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव ही मिलेगा, तो इसके बाद नेगेटिव. अब सबके पावर में ऑड है, सबके पावर में ऑड है तो हर पॉइंट पर साइन चेंज करेगा, तो नेगेटिव था पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव, बस इतना ही रहना है ये. अब मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव साइन. अच्छा क्रिटिकल पॉइंट पर क्या क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 -2 रखेंगे, -2 डिवाइड में नहीं रख सकते हैं, -1 डिवाइड में रख सकते हैं, -2/3 ऊपर में है लेकिन यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो -2/3 भी नहीं रख सकते हैं, तो इक्वालिटी नहीं है तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो फाइनल इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, चाहिए क्या पॉजिटिव साइन, पोजिशन ये -2 से -1, आंसर होगा -2 to -1 सारा ओपन ब्रैकेट, नेक्स्ट है -2/3 to -1/2, ये होगा फाइनल आंसर.